उसकी इच्छा पर, समझा रहा है? तो इसमें क्या क्या दिया रहता है? समय दिया होता है, दूरी दिया होता है, ठीक है ना? समय और दो चीज दिया रहे, कितना तुम मुझे पहुंचा गाड़ी या आदमी कोई भी, और कितना समय लगा, तो उससे चाल निकल जाएगी। याद रखना क्या क्या दिया रहेगा, दूरी और दूरी और समय। जिससे यहाँ से बनारस कितना दूर गाड़ी जाने में समय लगा, दूरी, दूरी दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, तो चाल निकल जाएगा। अगर कभी कभी चाल दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, तो कितना दूरी निकालना, तो अभी हमने चाल निकालने के लिए भाग दिया था दूरी में समय का, यानी 100 में जब 2 घंटे का भाग दिया तो 50 आ गया, लेकिन जब दूरी निकालना होता है तो चाल मालूम रहेगा और समय 2 दिया ही रहेगा, उसको गुणा करना है। ये याद रखना, गुणा क्या करना है, गुणा करेंगे, चाल में भाग देंगे, समय निकालना होगा तभी भाग देंगे, दो चीज दूरी में हमेशा, हाँ समय और चाल में भाग देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और दूरी में गुणा करेंगे। अब हम दूरी बता रहे हैं, जिस मामले में अभी बनारस का चाल हम गाड़ी का पता किए थे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब जो है मान लो समय दिया होगा, ये चाल है, क्या है ये इस तरह से लिखा जाता है, समय क्या रहेगा, तो हमने बताया था कि दूरी के लिए हमेशा गुणा करते हैं, दूरी के लिए क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। हाँ, तो 50 से 2 का गुणा कर दोगे तो बनारस कितना दूर है पता चल जाएगा, तो दूरी हो जाएगा 50 गुणे बराबर 100 किलोमीटर, समझ गए ना? दूसरा उदाहरण हमने दिया था 50 गुणा करके, दूसरा उदाहरण हमने दिया था कि अपने घर से यहाँ आ रहे, ठीक है ना? तो अपने घर से यहाँ आ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कितना दूरी था, 100 मीटर था ना, तो मान लो चार, मान लो 100 मीटर है और नहीं, तुम्हारी स्पीड मान लो 10 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट पर 10 मीटर जा रहे हो, तुम भी चाहिए जाओ, समझ रहा है, 1 मिनट कितने जा रहे हो, 10 मीटर, यानी चाल तुम्हारी है 10 मीटर पर मिनट और समय तुमको 5 मिनट लग रहा है।